नमस्कार मित्रों, जून 19, 2020 9:15। जी हाँ, जोधपुर जालौर के सांचौर कस्बे में शुक्रवार सुबह एक उल्का पिंड गिरने से सनसनी फैल गई। उल्का पिंड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। बाद में उल्का पिंड को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। धातु की तरह दिखने वाला, नजर आने वाला यह उल्का पिंड लगभग 2.788 किलोग्राम का वजनी है। सांचौर में गिरे उल्का पिंड का अध्ययन करने वैज्ञानिकों की एक टीम को बुलवाया गया। एक टीम जोधपुर से सांचौर पहुंच गई है, जो इस उल्का पिंड का, ये खगोलीय घटना है और वैज्ञानिकों का मानना है कि खगोलीय घटनाएं सुबह ही होती हैं। सांचौर थाना अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे सूचना मिली कि गायत्री कॉलेज के पास आसमान से एक तेज आवाज़ के साथ पत्थर गिरा। वहां पहुंचकर देखा तो काले रंग का धातु जैसा एक टुकड़ा जमीन में करीब 4-5 फीट की गहराई में धंसा हुआ था। उस समय यह टुकड़ा काफ़ी गर्म था। सांचौर में उल्का पिंड के इस तरह ज़मीन में धंसा हुआ मिला। प्रत्यक्षदर्शियों को कहना है कि उन्होंने आसमान से एक तेज चमक के साथ एक टुकड़े को नीचे गिरते देखा। नीचे गिरते ही धमाका हुआ। इस उल्का पिंड के ठंडा होने पर पुलिस ने उसे कांच के जार में रखवा दिया है, जिससे वैज्ञानिक की टीम, विशेषज्ञों की टीम उसका अध्ययन कर सकें। सांचौर में गिरे उल्का पिंड का वजन लगभग 3.25 किलोग्राम का था। मित्रों, जुड़े रही रामू सर जी के साथ ऐसी अनगिनत अविश्वसनीय घटनाओं के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस लॉकडाउन के समय पर भी आप तक ये छोटी और बड़ी घटनाओं को पहुंचाता रहता हूं। शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।